कार्टून नेटवर्क वो कब्बू आया, कब्बू आई तो हाउ बैड शी इज। हाय एवरीवन, कैसे हो सब लोग? मतलब मैं ऐसे 2 महीने में एक बार आती हूँ और पूछ के चले जाती हूँ कि कैसे हो, पर अब ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं हर बार भी यही बोलती हूँ, बट अब मैं गांव जा रही हूँ तो अब मुझे थोड़ा कंटेंट मिलेगा गांव जाने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इतना व्लॉगिंग नहीं कर सकती। छोटा सा घर है, मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ और कोई है भी नहीं, तो और गांव में सारे कजन्स वगैरह सब होंगे, सो आई थिंक ऐसे ज़्यादा नहीं सोचते हैं, आई थिंक मुझे थोड़ा कंटेंट मिल जाएगा। इतना एहसान नहीं कर रही हूँ तुम लोगों पर, एक्टिव रहो। अब गाँव में जा रही हूँ शादी में और बैग्स में बताती हूँ, ये तो अभी भी आधे ही है, अभी और बैग्स होंगे और इतने सारे बैग लेके हम लोग गांव जा रहे हैं। ट्रेन वाले हम लोग को निकाल देंगे, हर बार ऐसा ही होता है, पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार, हर बार ऐसा ही होता है कि हम लोग इतने सारे बैग्स लेके चले जाते हैं और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट पीपल होते हैं वहाँ पे वो बेचारे एडजस्ट करते हैं। मारवाड़ियों का यही है, तुम जितने बैग लेके जाओ उतने कम। मैं शादी में जा रही हूँ तो थोड़ी ग्रूमिंग तो बनती है, वैसे भूत बन के तो जाऊँगी नहीं, तो सबसे पहले मैंने कल जाके करवाए अपने नेल्स। मतलब एक लड़की को चाहिए क्या, उसके नेल्स एकदम परफेक्ट हो जाए ना, और उसको चाहिए क्या, चाहिए क्या। लेकिन मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा बुशी हो रखे हैं फिलहाल, तो इनको मैं आज अगर टाइम मिला यहाँ पर तो मैं यहाँ से करवाऊँगी, अदरवाइज फिर गांव से ही करवाऊँगी। गाइस आज है नेक्स्ट डे और आज हमारी ट्रेन की टिकट है 3 बजे की, और पैकिंग अभी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, थोड़ी सी बाकी है। हाय गुल्लू, हाय, आज गांव जा रहे हैं, गुल्लू गांव जा रहे हैं। अभी ट्रेन को 2 घंटे बाकी है और मेरी मम्मी हाइपर हो रखी है। ओके, फाइनली मैं जा रही हूँ, और ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है कि तुम लोगों के साथ भी होता है कि हम ना पूरा सामान पैक कर लेते, उसके बाद भी ऐसा लगता है कुछ तो रह गया है, होता है ना। ट्राइपॉड वेरी इंपॉर्टेंट, चलो हे भगवान रक्षा कर जो। हाय, तो बस फिर हमारी जर्नी शुरू हो गई मुंबई टू राजस्थान की, और जाते ही सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लीन किया, बिकॉज मुंबई की जो गर्मी और ह्यूमिडिटी थी ना, और इतना सारा सामान भी उठा रखा था, तो सबसे पहले अपने आप को फ्रेशन अप किया, एंड देन हम लोगों ने खाई भेल, मतलब सारी भेल एक तरफ और जो ट्रेन में जो मिलते हैं वो भेल एक तरफ। अग्री और नॉट कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड देन शाम को ननिहाल में मेरा भाई और मेरे मामी जी आए थे खाना लेके, वैसे जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते उन्हें पता है कि मैंने क्या क्या खाया, तो जल्दी जल्दी जाओ और मुझे वहाँ पर भी फॉलो करो और रील्स को शेयर करना मत भूलना। Hi. Hi. Guys, it's Noka. बस फिर सुबह उठते हमने चाय कॉफ़ी पी, खाना पीना खाया, नाश्ता खाया, मतलब ट्रेन में और होता ही क्या है, तुम लोग बस खाओ पियो मज़े करो ऐश करो, तो इसी तरह मेरा सफ़र बहुत ही शानदार गुजरा और मैं फाइनली पहुंच चुकी थी अपने शहर बीकानेर। तो हमें पिक करने के लिए मेरे दादू आए थे वहाँ पे। ए दुलू, दुलू आओ जो सफ़र दुलू। देन बाय कार हम लोग गए अपने घर की ओर, और घर गाँव के अंदर है, मतलब बीकानेर के अंदर एक छोटा सा गांव है उसके अंदर है, इसलिए हम बाय कार जाना पड़ा। एंड देयर यू गो, तो सबसे पहले जाते हैं, अपनी परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन निभाइए। फाइनली हम होम, और अब हम खाना खाएंगे, फिर हम नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होंगे। मेरे को आते ही काम बुला देते हैं। मेरी बहन को देखो कितनी पंचायती कर रही है। तो तेरा क्या जा रहा है? अब जो हम जो इतना सारा सामान लेके आए थे उसकी अनपैकिंग चल रही है। क्यों, अब मैं बताती हूँ हम लोग इतना सारा सामान क्यों लेके आए थे, क्योंकि हमारे हैं मामेरा, मतलब मेरी दादी की बेटी का बिहा है, तो हमारे यहाँ से मायरा जाता है, तो उसका सामान इतना सारा लेके आए थे, इसलिए इतने बैग थे, मेरा सिर्फ एक ही बैग था। सो अभी सारी पैकिंग बुकिंग हो गई है, सब कुछ अनपैक्ड कर दिया, सब बेहतर हो गया है, और मौसम देखो कितने प्यारे बादल,
ऐसे दिखते हैं तुम्हारे मुंबई में हैं? सॉरी मुंबई तो मेरा भी है। तो मैंने थोड़ा सा मौसम इंजॉय करिया। मेरा मारवाड़ी एक्सेंट, गांव में आते ही मारवाड़ी एक्सेंट आ जाता। करिया मैंने मौसम इंजॉय। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा एंगल से कर लो। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा आईब्रो रह गए हैं, तो मैं अभी जा रही हूँ आईब्रोज करवाने। हमने वाली दीदी भाभी है मतलब, या तो वो करते हैं पार्लर का काम। तो गांव में जब इमरजेंसी होती है तो उनके पास भी हम चले जाते हैं। तो मेरे आईब्रोज मैं अभी करवा के आती हूँ। चलो आपको भी लेके चलते हैं। देखो मैं चली तो जाऊँ, पर पता है प्रॉब्लम क्या है? उन भाभी के घर पर ना एक कुत्ता है या कुत्ती है, पता नहीं जो भी है, बहुत भौंकती है और काटा भी है कुछ लोगों को। देखना भी एंटर करते ही भौंकेगी वो, हट रही है। यार मौसम इतना शानदार हो रहा है, मेरे को वीडियो बनाने का मन करता है। मेरे को भागना पड़ेगा कि कहाँ गई वो। बिन बांध दियो कुत्ते ने, हे देवा। फिर ठीक है, बांधी हुई है। फिर मैंने अपने आईब्रोज कराना शुरू किए। वैसे मैंने लाइफ के सबसे पहले आईब्रोज भी इन्हीं भाभी से करवाए तो अरे बहुत अच्छे करते हैं। बट जो ना आईब्रोज करवाते वक्त जो पेन होता है ना, जो रूह बाहर आती है ना, उसका दुख अलग। मैं वैक्सिंग सहन कर सकती हूँ लेकिन आईब्रोज का पेन बहुत कम। पर इन्होंने बहुत अच्छे से किया, आराम से किया और आईब्रोज बहुत ही प्यारे लग रहे थे। देन मैंने अपने दादू के साथ रात को स्वादिष्ट खाना खाया और मैं सो गई। गांव में सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में मेडिटेशन करने का मजा ही अलग होता है। मेडिटेशन के बाद मैंने घर के छोटे मोटे मजदूरों वाले काम किए। गुलू गुलू जा रहे। फिर आज गुलू अपने घर पे वापस जाने वाली थी तो मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। थोड़ी देर मैंने उसको खिलाया, उसके साथ थोड़ी सी मस्ती की। Now it's the nashta time और मेरी बहन ने बनाया खम। हाँ टेस्टी दे लो, अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना। ये रही मेरी बहन यहीं पे मेरे सामने, कैमरा के सामने आना वो पसंद नहीं करती है, बड़े लोग। हाय गुल्लू। वैसे खमन तो हमने परसों ही खाए थे ट्रेन में, अब वापस खा रहे हो तो पर कोई बात नहीं, मतलब बहन ने प्यार से बनाया तो खा ले। या मम्मी मेरे को ये मुड़ी करके बुलाते, मैं या बोलते। हम बोल लो तो हम शांत तुझे तो मिल जाना। तो खोस रो गया है नायलॉन नायलॉन मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना ज्यादा अच्छा है, रिच टेक्सचर बना है। पहले तो मैं अपना OOTD बता देती हूँ, आउटफिट ऑफ द डे OOTD। ये देखो बहुत ही उम्दा कुर्ती है ये, और इतनी संस्कारी लग रही हूँ मैं इस कुर्ती में। ऐसे प्रमोशन करना पड़ता है कुर्ती का। तो मैं हो चुकी हूँ अब नहा धो के टकाटक रेडी, और अब मेरी बहन के ससुराल वाले आने वाले हैं उसे लेने के लिए। तो मतलब गुल्लू अभी हमें छोड़ के चला जाएगा एंड आई एम फीलिंग सैड फॉर दैट, बट दैट्स ओके बिकॉज गुल्लू 4 दिन में वापस आने वाला है, बिकॉज यू नो शादी। तो शादी के ब्लॉग्स भी आएंगे, स्टे ट्यून्ड। और बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही। ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। कुछ इंप्रूव करना हो, कुछ आपको बताना हो तो कमेंट्स आप कर सकते हो। कमेंट्स आर ओपन। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड विल मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।